गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस, यानी कि असंजनन। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। मियोसिस और सिनगेमी, यानी कि अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन और इसके पश्चात युग्मकों का संलयन होता है, ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, उन स्पोरोफाइट की जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं, वो अगुणित युग्मकोद्भिद का निर्माण करती हैं। सिनगैमी यानी कि गैमेटिक फ्यूजन, यानी कि युग्मक संलयन में दो भिन्न भिन्न प्रकार के या दो हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इसके फलस्वरूप द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रावस्था फिर से रीस्टोर हो जाती है, फिर से उनका उसका निर्माण होता है। यानी कि अगुणित नर व स्त्री युग्मकों के फ्यूजन से द्विगुणित अर्थात बीजाणुद्भिद अवस्था एवं अगुणित अथवा युग्मकोद्भिद अवस्थाओं का नियमित रूप से एकांतरण होता है, इस प्रकार के एकांतरण को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। यानी कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेजेस, हैप्लॉइड मींस गैमेटोफिटिक फेज, डिप्लॉयड मींस स्पोरोफिटिक फेज, ये एकांतर क्रम में लाइफ साइकिल के अंदर चलती रहती हैं। दे रेगुलरली अल्टरनेट विद ईच अदर और इसे हम पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अनेक पौधों में लैंगिक जनन की ये नॉर्मल प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नॉर्मल प्रोसेस है, ये सब्स्टिट्यूट होता है किससे, एसेक्सुअल प्रोसेस से। यानी कि अनेक पौधों में लैंगिक जनन की का जो सामान्य प्रोसेस है, वह अलैंगिक विधियों द्वारा पूर्णतः रिप्लेस होता है या प्रतिस्थापित होता है। अब पहले हिंदी में बताती हूँ, ऐसे पौधे एपोमिक्टिक प्लांट्स कहलाते हैं और यह प्रक्रिया जो है वो एपोमिक्सिस या असंजनन कहलाती है। द फिनोमिनन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस बाय एसेक्सुअल मेथड्स इज नॉन एज एपोमिक्सिस एंड द प्लांट्स विच शो इट आर कॉल्ड एपोमिक्टिक प्लांट्स। यानी कि विंकलर के अकॉर्डिंग 1908 में उन्होंने एपोमिक्सिस जो टर्म है, उन्होंने ये बताया कि लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन ना हो, यानी कि मियोसिस और सिनगैमी, मियोसिस एंड सिनगैमी ये दोनों प्रोसेसेस ना हो, इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विंकलर, अवे फ्रॉम मिक्सिंग, मिक्सिंग से दूर, मिक्सिंग से हटके। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें सेक्सुअल प्रोसेस को, कोई भी ऐसा फिनोमिना जिसमें सेक्सुअल मेथड्स को रिप्लेस किया गया हो एसेक्सुअल मेथड से, लैंगिक जनन की जो मुख्य क्रियाएं हैं मियोसिस और गैमेटिक फ्यूजन या सिनगैमी को रिप्लेस किया गया हो एसेक्सुअल मेथड से, ऐसे प्रोसेस को हम असंजनन या एपोमिक्सिस कहते हैं और ऐसे प्लांट्स जो हैं वो एपोमिक्टिक प्लांट कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू विंकलर इन 1908,
उसके अकॉर्डिंग एपोमिक्सिस का मतलब है अवे फ्रॉम मिक्सिंग, इट रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एनी सच मेथड विच डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिंगेमी। मैंने आपको यही समझाया कि कोई भी ऐसे प्रोसेस के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्लेस करना जिसमें गैमेटिक फ्यूजन और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो इंक्लूड नहीं होते। वास्तव में सामान्य लैंगिक जनन दर्शाने वाली जाति कुछ परिस्थितियों में एपोमिक्सिस भी दर्शा सकती है। चूंकि एपोमिक्सिस के अंतर्गत जनन की सभी अलैंगिक विधियां सम्मिलित हैं, अतः इसे मुख्यतः हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जब पौधे का प्रोपेगेशन बीज के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है तो हम इसे कायिक जनन कहते हैं, ये हम जानते हैं। दूसरा होता है एगैमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता, इस मेथड में यद्यपि जो प्रोपेगेशन है वो सीड के द्वारा ही होता है, परंतु एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मियोसिस और गैमेटिक फ्यूजन से नहीं होता। यहाँ पर एपोमिक्सिस का मेन जो रीज़न, मेन जो मेथड है या उसका तात्पर्य जो है वो अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी से होता है। किससे होगा? एगैमोस्पर्मी, ठीक है। तो महेश्वरी ने एपोमिक्सिस की थ्री टाइप्स जो है वो रिकग्नाइज की हैं। ये थ्री टाइप्स हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस यानी अनावर्ती एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस, आवर्ती एपोमिक्सिस और एडवेंटिव एपोमिक्सिस या अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस। तो ये थ्री टाइप्स हैं, हम इनमें वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनावर्ती एपोमिक्सिस या नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इस टाइप की एपोमिक्सिस में जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस जो है वो सामान्य प्रकार से होता है, और जिसके फलस्वरूप एक मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो एक जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप फोर मेगास्पोर्स बनते हैं। तो इनमें से जो चार मेगास्पोर बनते हैं उनमें से जो है एक है वो हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट का या एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। इस प्रोसेस के अंदर देर इज नो फर्टिलाइजेशन एंड द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम वन ऑफ द टू प्रोसेसेस। मतलब इसमें क्या होता है कि उस मेगास्पोर का, चार मेगास्पोर्स जो बने हैं उनमें से एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, तो भ्रूण का विकास जो है वो अनिषेचित अंड से अथवा भ्रूण कोश की एम्ब्रियो सैक की किसी अन्य कोशिका से होता है। तो ये दो प्रकार का मेथड यहाँ बताया गया है। एक मेथड है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होगा या अनिषेचित अंड से होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हॉगरप इन 1945, उनके अकॉर्डिंग ये था कि प्लांट्स लाइक एपीपेक्टस लैटिफोलिया नॉर्मली पॉलन ट्यूब्स जो है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, और एग जो है डेवलप्स इनटू डिप्लॉयड एम्ब्रियो, एग से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट ओकेजनली, लेकिन कभी कभी पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर एंटर करती भी है तो ऐसे समय पे एंटर करती है जो टाइम जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए निकल चुका होता है, यानी कि पॉलन ट्यूब डज नॉट एंटर, या तो वो एंटर ही नहीं करती ओव्यूल में, और अगर एंटर करती है तो ऐसे समय पे एंटर करती है दैट इज़ टू लेट फॉर
फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पॉलन ट्यूब है, इसके अंदर स्पर्म्स पाए जाते हैं, यहाँ पे एंटीपॉडल्स हैं, ये डिवाइडिंग प्रोसेस है। तो ये एक एग्जांपल है हैप्लॉइड, एक तरह से पार्थेनोजेनेसिस का। तो इसमें इस प्रोसेस के अंदर इस प्रकार से ये बात, अकॉर्डिंग टू महेश्वरी ने 1950 के अंदर बताया कि एग में फेल टू फर्टिलाइज्ड ड्यू टू सर्टेन कॉजेज, कुछ कारणों के कारण एग जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता, पॉलन ट्यूब नहीं पहुंचती, या पॉलन ट्यूब पहुंच तो जाती है बट इट इज़ अनएबल टू डिस्चार्ज इट्स मेल न्यूक्लियाई। और तीसरा क्या होता है, देर इज़ इनसफिशेंट अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई। यहाँ पर मेल और फीमेल न्यूक्लियाई के बीच में अट्रैक्शन जो है वो इनसफिशेंट होता है। या फिर फोर्थ प्रोसेस क्या है कि पॉलन ट्यूब के अंदर जो स्पर्म्स पाए जाते हैं वो जल्दी ही डीजेनरेट हो जाते हैं, वो इतने मैच्योर नहीं होते या इतने वायबल नहीं होते हैं। और फिफ्थ प्रोसेस है मैच्योरेशन ऑफ एग, एग मैच्योर हो जाता है और मेल जो एग के मैच्योर होने और मेल गैमीट्स के एंटर होने के बीच का जो समय है उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, तालमेल नहीं होता, जिसकी वजह से ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा नए एम्ब्रियो का निर्माण होता है। सेकेंड प्रोसेस आता है इसके अंदर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में, हैप्लॉइड एपोगैमी। हैप्लॉइड एपोगैमी में एम्ब्रियो सैक में एग के अतिरिक्त एम्ब्रियो का विकास किसी और सेल से हो जाता है, यानी कि इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक अपार्ट फ्रॉम द एग। एग के अलावा एम्ब्रियो सैक की किसी और कोशिका से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये जो है वो हैप्लॉइड एपोगैमी, इसमें क्या होता है, ये इस डायग्राम में देखिए कि ट्विन प्रो एम्ब्रियो, ये लीलियम मार्टागॉन में दो ट्विन प्रो एम्ब्रियोज जो है वो ऑब्जर्व किए गए हैं। एक एम्ब्रियो जो है वो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से एग से बनता है और दूसरा जो है वो बनता है स्टिमुलेटेड हैप्लॉइड साइनर्जिड सेल से। ठीक है, ये वाला नॉर्मल प्रोसेस से बना है और ये जो है वो स्टिमुलेटेड हैप्लॉइड साइनर्जिड सेल से, यानी कि दूसरा जो है वो सहायक कोशिका से बनता है। एक तो नॉर्मल प्रोसेस से बनता है। नाउ सेकंड आता है इसमें आवर्ती एपोमिक्सिस या रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसके अंतर्गत क्या होता है, एम्ब्रियो सैक इन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एम्ब्रियो सैक के जो न्यूक्लियाई हैं वो सामान्यतः डिप्लॉयड होते हैं। और ये एम्ब्रियो सैक किस प्रकार से बनते हैं, एक है जेनरेटिव ओस्पोरी एपोस्पोरी यानी कि जनन अप बीजाणुता, और दूसरी है सोमैटिक एपोस्पोरी या कायिक अप बीजाणुता। प्रथम पार्ट में क्या होता है कि जो आर्चिस्पोरियम की डिप्लॉयड सेल्स हैं उनसे डिप्लॉयड एम्ब्रियो की उत्पत्ति होती है। डिप्लॉयड एम्ब्रियोज किससे बनेंगे, ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियोज हैं वो आर्चिस्पोरियम की डिप्लॉयड सेल से डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पार्थीनियम आर्जेंटेटम, इसकी दो वेराइटीज़ हैं। एक वेराइटी ऐसी है जिसमें 2N इज इक्वल टू 36 होता है और दूसरी वेराइटी है 2N इज इक्वल टू 72। 2N इज इक्वल टू 36 जो है इसमें क्या होता है कि इस स्पीशीज़ में या इस वेराइटी में जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें रेगुलर डिवीजन्स होते हैं और नॉर्मल हैप्लॉइड जो
नॉर्मल हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। सिंपली है ये, मेगास्पोर मदर सेल में सामान्य मियोटिक डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है। आफ्टर सिनगैमी और डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमेटिक फ्यूजन, युग्मकों के संलयन और द्विनिषेचन के पश्चात एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इसके विपरीत जो दूसरी वैरायटी है जिसमें 2n = 72 है, उसमें मेगास्पोर मदर सेल के न्यूक्लियाई में मियोटिक डिवीजन तो होता है परंतु यह डायड या टेट्राड जो है वो नहीं बनाता और इसकी स्थान पर यह एनलार्ज हो जाता है और ये स्वयं ही एम्ब्रियो सैक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में एग बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, एक सामान्य प्रोसेस में है 2n = 36 के अंदर, सेम सिंपल प्रोसेस के अंदर हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, उसमें युग्मक संलयन और द्विनिषेचन के बाद जो एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सैक का नॉर्मल प्रोसेस में विकास होता है उसमें। सेकेंड वैरायटी के अंदर जिसमें 2n = 72 है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो है द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 72 है, उसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस के पश्चात डायड या स्पोर टेट्राड्स जो है वो नहीं बनाती है, वो स्वयं ही बड़े होकर एम्ब्रियो सैक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में जो एग बिना फर्टिलाइज हुए ही एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इसमें एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में कोई आपस में तालमेल नहीं होता, समन्वय नहीं होता, यद्यपि जो एम्ब्रियो का विकास है वो पॉलिनेशन की अनुपस्थिति में सामान्य रूप से होता है, परंतु एम्ब्रियो सैक के उचित विकास के लिए परागण का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अगर एम्ब्रियो सैक का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं होगा तो एम्ब्रियो जो है उसको पूर्ण रूप से जो है वो पोषण नहीं प्राप्त होता। तो इस प्रोसेस को हम इस प्रकार से समझते हैं। अब इसमें थर्ड टाइप आ जाती है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, हाँ एक पार्ट रह गया इसका, ये जो रिकरेंट एपोमिक्सिस में सेकंड एक टाइप हमने पढ़ी जेनरेटिव एपोस्पोरी, सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं सोमैटिक एपोस्पोरी या कायिक अपबीजाणुता। जो इसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट न्यूसीलस या इंटेग्यूमेंट की सेल से होता है, जब द्विगुणित एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट न्यूसीलस या इंटेग्यूमेंट की किसी सेल से होता है तो इस प्रोसेस को हम सोमैटिक एपोस्पोरी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम सोमैटिक एपोस्पोरी कहते हैं, यानी कि बीजांडकाय की कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का विकास सोमैटिक एपोस्पोरी कहलाता है। इसका सबसे एग्जाम्पल जो है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल या उपयुक्त उदाहरण जो है इसका, हाइरेसियम है। इसमें इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल में हालांकि नॉर्मल मियोटिक डिवीजन होता है और ये मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण करती है, ये एक सामान्य प्रोसेस है। सून आफ्टर डिवीजन के तुरंत पश्चात एक सोमैटिक सेल जो है चेलेजल ओव्यूल के चेलेजल एंड पे सिचुएटेड होती है, वो एनलार्ज हो जाती है और रिक्तिका युक्त हो जाती है, वैक्यूलेटेड हो जाती है। यह मेगास्पोर के बीच का सारा एरिया जो है वो भर लेती है और ये इवेंचुअली एक एपोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है। ये एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होता है। एम्ब्रियो सैक का ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है ये डिप्लॉयड एम्ब्रियोज बनाता है, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ सच एम्ब्रियो सैक गिव्स राइज टू डिप्लॉयड एम्ब्रियोज। दोबारा सुन लीजिए, इसमें मेगास्पोर मदर सेल का मियोटिक डिवीजन तो सामान्य रूप से होता है, पर और
मेगास्पोर टेट्राड्स भी बनते हैं। मियोसिस के बाद ओव्यूल के चेलेजल एंड पर स्थित वेजिटेटिव सेल आकार में धीरे धीरे वृद्धि करने लगती है और जो अंततः मेगास्पोर टेट्राड को का जो है पूरा एरिया जो है वो बड़े होकर भर लेती है, एपोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बनाती है। इसके चूँकि इसके डेवलपमेंट में वेजिटेटिव सेल में किसी भी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस नहीं होता है, अतः यह एम्ब्रियो सैक जो है वो डिप्लॉयड होता है और इसकी जो अनफर्टिलाइज्ड एग सेल हैं वो डिवाइड होकर डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। तो ये है रिकरेंट एपोमिक्सिस। थर्ड पार्ट इसका आता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या हिंदी में हम इसको बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के अतिरिक्त ओव्यूल की किसी अन्य सेल से हो तो इसे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, अपस्थानिक भ्रूणता अथवा स्पोरोफिटिक बडिंग कहते हैं। यानी कि एम्ब्रियो का विकास ओव्यूल की किसी भी डिप्लॉयड सेल से, जो कि ओव्यूल से बाहर की तरफ स्थित होती है, डिप्लॉयड सेल से होता है। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियो इस प्रकार की के मेथड को हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट या जैसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं उसके अतिरिक्त ओव्यूल की किसी अन्य कोशिका से होता है तो इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं और हम इसे स्पोरोफिटिक बडिंग भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता और गैमेटोफाइट का इसमें निर्माण नहीं होता है इस प्रकार, तो इसलिए इस प्रकार की एम्ब्रियोनी में पीढ़ी एकांतरण भी नहीं पाया जाता। न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट की कोशिकाओं की जो के जो एडवेंटिव एम्ब्रियोज बनाने वाली सेल्स हैं वो उन सेल्स का जो साइज़ थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, उनमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो कंपैरेटिवली डेंस होता है, थिक होता है और इस ये डिवाइड होकर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का निर्माण करते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक मास है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मास है, दिस टिश्यू ये साइज के अंदर एक्टिवली ग्रो करता है, ये एम्ब्रियो सैक को पुश करता है और फिर ये इट गिव राइज टू द नॉर्मल एम्ब्रियो। ये सेल्स जो हैं वह सक्रिय रूप से विभाजित होकर एक सूक्ष्म बहुकोशिकीय मास बनाती हैं जो अंततः एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा और एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। तो ओव्यूल में उपस्थित इस प्रकार के जाइगोटिक एम्ब्रियोस व एडवेंटिव एम्ब्रियो का विकास एक ही एम्ब्रियो सैक में होता है। तो जो जाइगोटिक एम्ब्रियो में सस्पेंसर होता है और एम्ब्रियो सैक के जो चेलेजल एंड पर वो स्थित होता है, जबकि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में जो सस्पेंसर है वो अनुपस्थित होता है और एम्ब्रियो सैक में ये किसी भी भित्ति पर किसी भी स्थिति पर पाया जा सकता है। इस आधार पर हम इन दोनों एम्ब्रियोज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है वो उसमें सस्पेंसर पाया जाता है और यह एम्ब्रियो सैक के चेलेजल एंड पर स्थित होता है। जो एडवेंटिव एम्ब्रियो है उनमें सस्पेंसर अनुपस्थित होता है और वो एम्ब्रियो सैक के किसी भी स्थिति पर पाया जा सकता है। ये इन दोनों में कंपैरेटिवली डिफरेंस होता है। तो जो इसका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का सबसे कॉमन मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सिट्रस। सिट्रस में एक बीज में 10 से भी अधिक जो वायबल एम्ब्रियोज पाए जाते हैं
और इसके अतिरिक्त और एग्जाम्पल है इसमें, ये पाया जाता है यूफोबिएसी, कैक्टेसी, बक्सेसी, ऑर्किडेसी आदि अनेक अनेक फूलों में भी ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है, इस प्रकार से ये पाया जाता है। अब एपोमिक्सिस के फ़ायदे क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है? कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कोई ना कोई रीज़न अवश्य होता है, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर निहित होता है। जैसे कि एपोमिक्सिस में मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पर सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम्स का नहीं होता। अगर मियोसिस ही इन्वॉल्व नहीं है तो करेक्टर्स आपस में सेपरेट भी नहीं होंगे और फिर दूसरे करेक्टर्स के साथ उनका रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन न होने के कारण ना तो गुणसूत्रों का विसंयोजन होता है और ना ही उनका पुनः संयोजन होता है, तो ये दोनों प्रोसेसेस नहीं होते। तो इस प्रकार से यह प्लांट के लिए लाभदायक हो सकता है। किस तरीके से? कि अनिश्चित काल तक उसके करेक्टर्स जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। जो करेक्टर्स हम डिज़ायरेबल करेक्टर्स हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, एक लंबे समय तक वो करेक्टर्स जो हैं उसमें बने रहते हैं। परंतु इसके आधार पर हम मियोसिस के इम्पॉर्टेंस को कम नहीं कर सकते, बिकॉज इवोल्यूशन और वेरिएशन जो है उन चीज़ों को समय के अनुसार और वातावरण के अनुसार चीज़ों को उन्नति के लिए, उनकी वेरिएशंस को लाने के लिए मियोसिस अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन का जो विशेष महत्व जो है वो विकास और विविधता में तो रहता ही है, लेकिन ऑब्लिगेट एपोमिक्टिक या अविकल्पी एपोमिक्टिक जातियों में यद्यपि लाभदायक गुण काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं, परंतु ये जातियाँ जो हैं वो विकास की दृष्टि से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि उनमें मियोसिस नहीं हो पाता। इसके विपरीत जो फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक जातियाँ होती हैं उनमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोसेसेस जो हैं वो साथ साथ होते रहते हैं। तो इस प्रकार से एपोमिक्सिस का एक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है कि ये प्लांट्स के लिए ये प्रोसेस भी जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल अबाउट एपोमिक्सिस। कल पढ़ते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।